हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बिंदास तरीके से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 15.3 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है और इसमें हमने पहला ही क्वेश्चन पूरा फिनिश कर दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे उसके। और देखते हैं आज इस वीडियो, आपको ये दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। और आज इस वीडियो में 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसकी 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा है। अगर ज्यादा बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि लेंथी वीडियो हो जाएगी, और जब लेंथी वीडियो हो जाएगी तो आप लोगों को पता है कि अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा थोड़ा आपके क्वेश्चन डालेंगे तो ये होगा, मैनेज हो जाएगा, आपको डेली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग सब समझते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस तरीका से करने वाले हैं। आप परेशान ना हो, आप फिर बाद में कहेंगे सर आपने क्या कर दिया। तो इससे पहले मैं आपको सूत्र लिखा देता हूं, इससे आपको पूरा ही आइडिया लग जाएगा किस तरीका से हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब इसे खोलेंगे तो ए प्लस बी ए कोष्टक में और ए माइनस बी ए कोष्टक में। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऐसे लिखा हुआ तो ये समझो कि ये दो कोष्टक में टूटने वाला एक प्लस एक माइनस। ठीक है, तो इसे सेम इसी रूप में मुझे लाना है। किस तरीका से लाना है, तो इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है कि भाई इसमें भी दो कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी दो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 50 इसमें 32, जब दो कॉमन लेंगे यहाँ बचेंगे 25, यहाँ बचेंगे 16। तो भाई ले लो दो कॉमन, किस तरीका से लेंगे, तो यहाँ बचेगा 25 ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा 16 बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दो कॉमन ले तो लिया। आप देखो ये है 25 ए स्क्वायर, ये है 16 ए स्क्वायर। आपको वर्ग तो पता ही होगा कि किसका क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पूछूं कि बताइए 5 का वर्ग कितना होता है, आप फटाफट दे दोगे कि भाई 25 होता है। लेकिन किसी ने ये पूछ लिया कि बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ये भी याद रखने की बात है। तो इसलिए आप पूरे 50 तक इसको याद कर ले। ठीक है, तो यहाँ वही हम करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 2 कोष्टक में, तो वैसा इसमें करना है। तो ये हमने 2 लिख ली यहाँ पर। अब देखते हैं ये किसका वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है, ये ए हो जाएगा। ये माइनस है, ये किसका वर्ग, ये 4 का वर्ग 16 है, ए हो जाएगा बी। अब ये कोष्टक हमने इतना कर लिया, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, 5 ए प्लस के 4 बी। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, क्या आ गया, 5 ए माइनस के 4 बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा 5 ए प्लस के 4 बी। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर निकल के आया है वो 2 5 ए माइनस के 4 बी कोष्टक। और कोष्टक शुरू करेंगे तो 5 ए प्लस के 4 बी, ये इसका प्रोसेस रहने वाला है। तो मैंने पहले ही आपके लिए लिख दिया है, आप परेशान ना हो और इसे उतार लें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है 32 ए 4 माइनस के 162 बी 4। भाई देखने में कुछ अजीब है, लेकिन इसको भी तोड़ने वाले किस तरीके से, सब इसी फॉर्मूला के हिसाब से। देखो कैसे करेंगे, इसमें पहली बात तो ये कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 16 ए 4 और यहाँ बचेगा माइनस के, तो 2 कॉमन ले लिया तो 8 और 1 यानी कि बी 4। ठीक है, अब देखो इसमें ये पता चल गया, अब देखो इसमें पता चल गया तो भाई कर लो जैसा आपने पहले वीडियो में, जैसा कि तुमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था, उसी सेम इसमें डिक्टो होने वाला है। कैसे, अब ये किस संख्या का वर्ग है, 4 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर। ये किस संख्या का, ये हो जाएगा 9 बी स्क्वायर। अब एक कोष्टक में प्लस में तोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस के प्लस के 9 बी स्क्वायर। तो पहले मैं इस संख्या को इधर ले लेता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस के 9 बी स्क्वायर। ठीक है, जो बाकी इधर बचा तो आपने देखो सेम रेक्टो ये बनना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और आप लोगों को पता होगा कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग होता है 9। तो फाइनली चिंता ना करें, इसको भी तोड़ दो किस तरीका से, तो ये हो जाएगा 2 ए माइनस के 3 बी। एक कोष्टक ये तोड़ दिया, तो दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2 ए माइनस प्लस के 3 बी। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर निकल के आया है, ये आंसर आपका निकल के आया है
मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टू कोष्टक में 4a² + k 9b² कोष्टक बंद कोष्टक शुरू, 2a - k 3b कोष्टक बंद कोष्टक शुरू, 2a + k 3b कोष्टक बंद। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर रहा। एक बार अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब तक क्वेश्चन वहां से हटने वाला नहीं है, उसका आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो भाई इसको करते हैं क्लीन और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो भाई तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है और बोल रहे हैं कि सर जी ऐसा है कि 4a² - k 9/4a² तो भाई इसके तोड़ दो, किस तरीका से तोड़ेंगे? तो आपको पता है कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 2 का वर्ग है। तो भाई तोड़ दो, इतना पता है तो फिर क्यों डरते हो? तो ये हो जाएगा 2a - k 3/2a। और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? 2a + k 3/2a। भाई ये एक ही लाइन में इसका आंसर आ गया। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला है तो ला सकते हैं, नहीं तो भाई ऐसे ही करते रहो, क्या करूं क्या नहीं। ठीक है, करो करो एरो अजी तो बड़ा उन्होंने को करते है। और अभ्यास आई ना रहो है। कतई डाउन है जी तो अभी तो कतई नहीं है। अच्छा तो भाई साहब मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई 4a² - k 9/4a² तो भाई इस सूत्र के सहायता से, इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 का वर्ग या 3 का वर्ग या 2 का वर्ग है। तो इसे तोड़ दो भाई इसी सूत्र में, 1 में + 1 में - तो कैसे होगा? 2a - k 3/2a। एक कोष्टक में हो जाएगा 2a + k 3/2a। तो इस तरीका से ये हमने इसका आंसर निकाल दिया है और ये अपने कॉपी में उतार सकते हैं। एक लाइन का ये आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं इसका कराते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो भाई साहब हमने 4th क्वेश्चन लिख लिया है और इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो किस तरीका से सॉल्व करने वाले हैं? सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, इसे खोल लेते हैं। ठीक है, इसे खोलेंगे तो आपको एक सूत्र आना चाहिए a + b का, वो क्या होता है मैं लिख देता हूं। a + b का सूत्र होता है a² + k b² + k 2ab। एक माइनस वाला होता है वो भी लिख देता हूं, a² + k b² - k 2ab। ठीक है, ये आपको दोनों सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में करने वाले। किस तरीका इसे खोलो, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² + k 2ab - कोष्टक लगा रहे ना, तो ये हो जाएगा a² और + k b² - k 2ab। ठीक है, इतना कर लिया। माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये चिन्ह किस तरीका से परिवर्तन होंगे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका भी माइनस का। तो ये किस तरीका से हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2ab। ठीक है, अब कोई संख्या हमारे पास कट रही है तो काट देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसे कैंची चला दो भाई कि हट मेरे रास्ते से। अब प्लस का ये प्लस का, तो प्लस प्लस वाले जोड़ दो, तो इसका फाइनल जो निकल के आया आंसर 4ab आने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है? 4ab। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सबसे मेन चीज क्या है? फॉर्मूला 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 याद है क्वेश्चन हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आपको चुटकियों में उसका आंसर निकल के दे देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 4ab। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई साहब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है 5 नंबर और इसका भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको सूत्र लिखाया था, वो सूत्र लिखने क्या था बोलो मेरे साथ? एक कोष्टक में प्लस वाला और एक कोष्टक में माइनस वाला की। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसका वर्ग सोचिए, 4 का वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग होता है। ठीक है,
तो ऐसे कर लें, फोर ए फोर माइनस के ये हो जाएगा नौ वी फोर, ठीक है। एक कोष्टक में ये हो गया और दूसरे कोष्टक में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार ए फोर प्लस के नाइन बी फोर, ठीक है। और देखो इतना करने के बाद अब देखो फिर एक समीकरण बनना है, वही भी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। किस तरीके से भी तोड़ लो, क्योंकि दो का वर्ग होता है या तीन का वर्ग होता है, तो इसका खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए माइनस के थ्री बी, एक कोष्टक में हो जाएगा कोष्टक टू ए प्लस के थ्री बी, ये तो रहने वाला है सेम, तो ये हो जाएगा फोर स्क्वायर प्लस के नाइन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा, ठीक है। ये अपनी कॉपी उतार लीजिए। और भाई साहब मेरी हालत तो गर्मी के वाले बहुत ही बेकार हो चुकी है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इस दूसरे क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो बाकी क्वेश्चन बचे वो अगली वीडियो में कवर कराने वाले, ठीक है। तो हमारे पास संख्या है 27x³ + 8y³। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको एक सूत्र आना चाहिए, सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो ये पुट ऑफ इसमें होने वाला है, तो इसे सबसे पहले तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 3x³ + 2y² + 2y³, ठीक है। अब देखो ये तोड़ लिया, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, तो हमारे पास पहला क्या है ए प्लस बी, तो इनका एक क्वेश्चन अलग कर दो, कितना हो जाएगा 3x + 2y। अब क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा नौ, नौ वर्ग, ठीक है। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के चार वाई स्क्वायर। अब माइनस के लगा दो, इनका गुणा कर दो ए और बी, तो कितना हो जाएगा तीन दूनी छह एक्स वाई। तो इसका जो फाइनल जो आंसर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, 3x + 2y² + 4y² - 6xy, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हमने सिक्स, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में कवर कराने वाला हूं। और बताइए आप लोगों को कैसे आया छह क्वेश्चन, सिर्फ आपको सूत्र आना चाहिए, फॉर्मूला आते हैं तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से सीख सकते हो और आपके आपके मस्तक में आपके सहयोग आए होंगे, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेहनत करते रहिए, हमारा उद्देश्य आपको मेहनत कराना और आपका भी उद्देश्य है कि आप मेहनत मेरे साथ करें, ठीक है। मिलते हैं भाई, थैंक यू।